हेलो एवरीबॉडी, नैना मिश्रा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत चोमू सी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने अच्छे से बाल बनाए हैं फिर भी मैं बहुत चोमू लग रही हूँ। और प्लीज़ माइंड मत करना, मैं आपके सामने कैसे भी आ जाती हूँ दोस्तों, हूँ तो आपकी अपनी ही। खैर, आज मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैं ऋषिकेश से आई थी फ्राइडे को, आज है मंडे और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ। बट आज कलेक्ट करनी है आईडी कार्ड, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती आज। और कल का दिन इतना ख़राब गया है ना, मैं सीढ़ी से उतरती गिरी हूँ धड़ाक से, तड़ से आंटी के दरवाजे पे भट्ट। उसके बाद कहते हैं दीदी लोग, कहते हैं आ जा बेटा ऊपर आ जा, तू कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चोट वोट लगा वगा के, ज़िंदगी में थक हार के, ज़िंदगी से मायूस होके बैठी हुई थी, फिर पता चला कि आज लास्ट डे है आईडी कार्ड कलेक्ट करने का। मैं कहीं अंतिम दिन काम करने का, बहुत लंबा रिकॉर्ड है इसको कायम करते हुए, हम आज चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बस पकड़ने, इसीलिए लेट हो चुकी है क्योंकि मैं आज सुबह बहुत लेट से उठी, बट देखते हैं बस मिलती है कि नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं आई कार्ड लेने SSC, पता नहीं कहाँ से, यहाँ पे पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं, बट SSC। इस चीज़ के लिए हम धक्के खा के आए हैं दोस्तों, हमारे आई कार्ड में कुछ मिस्टेक्स हैं और वो इतना गंदा मिस्टेक है ना। हम ऑनर्स के हैं, बीकॉम ऑनर्स के, और उसमें जनरल लिखा हुआ है। ओ गॉड, इससे पहले मैं डूब के मर क्यों नहीं गई। तो फोटो तो वाही याद, वो तो ऑब्वियस है दोस्तों, वो हमारे फ़ोन से नहीं आई है ना, तो वाही याद ही आएगी। तो हम मुँह उठा के वापस जा रहे हैं। जादू देखा दोस्तों, देखा, हमारे कॉलेज में बस यही अच्छा है कि ये डोर अपने आप खुल जाता है। हाँ, तो अब इसका टाइटल होने वाला है कि हमें आई कार्ड नहीं मिला। हाय, ऐसा कोई इमोजी नहीं आता है, ऐसा इमोजी मैं वो करूँगी, इन्वेंट, क्या कहते हैं उसको, लॉन्च करूँगी ऐसे ऐसे वाला, और वो मेरे एकदम टॉप मोस्ट लिस्ट में रहेगा। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, पता, धक्के खाने, अभी हम धक्के खाने जा रहे हैं, कहाँ ये बोल दी मैंने, आप भी कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन से कुछ ठूसने। गरीब लोग भैया भी कह रहे जाओ जाओ रहने दो, बाद में दे देना। तो दोस्तों, अभी अभी मुझे पता चला है कि मुझे तुरंत फिर से ऋषिकेश के लिए निकलना है, और अभी मैं कॉलेज में हूँ, कैन यू इमेजिन, और मुझे वाइट शर्ट ख़रीदनी है। खैर, हमने इस शॉप से, रोड साइड शॉप से, श्वेता के लिए ये हैंड वाला, हाथ दिखा, हाथ हाथ का ये ग्लव्स वाला लिया है, आप इस शॉप पे आके ले सकते हो। ये आंटी बहुत अच्छी है, हमें जूस, खाना, पानी सब ऑफर कर रही थी, पर हमारा पेट भरा हुआ था और हम नहीं खाए, हमने पानी पिया इनका, और बहुत अच्छी थी। और अभी हम जा रहे हैं वाइट शर्ट ख़रीदने और थोड़ा सा कुछ जलपान करने, ताकि हम निकलने की हालत में रह सकें, और मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, और मुझे कहीं से ATM कार्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा, जहाँ से मैं मम्मी को पैसा ट्रांसफ़र कराऊँ, पैसे निकालूँ। अभी हम लोग आए हुए हैं वाइट शर्ट लेने, क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है, मेरी वाइट शर्ट गंदी है। और अभी हमें लड़कियों वाली मिली नहीं, हम जेंट्स शॉप में आए, मे बी हमारे साइज की मिल जाएगी। तो हमने वाइट शर्ट ले ली है लड़कों वाली, लेकिन वो मैंने फिटिंग करा ली, मेरे में आ रही है, और अभी मैं यहाँ पे इसको स्टीम प्रेस करा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत क्रस्टी, और वो प्रेस करने के पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो अभी हम स्टीम प्रेस कराते हैं, फिर हम गन्ने का जूस पीते हैं, ज़िंदगी में थोड़ी एनर्जी चाहिए, उसके बाद निकलते हैं। और मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ खाने को भी चाहिए, लेकिन नहीं भी खाने को चाहिए, मैं क्या करूँ। अभी हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने, और इसके बाद हम लोग निकलते हैं। Thank you.
लगवाएगी। लेना है क्या? गिरा 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 गिरा। दोस्तों ये हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमने जो जूस में बहुत ही बड़ा ग्लास ले लिया। ये 500 ml बस, ज़्यादा लीटर ज़्यादा नहीं। फाइनली गन्ने का जूस 2 घंटे बाद ख़त्म करने के बाद, 2 घंटे नहीं हमने ख़त्म कर दिया है 2-3 मिनट में। फिर हम निकल रहे हैं, ये लड़की मुझे छोड़ेगी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेरे पास बस से जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं लेट में भी हो जाऊँ, नहीं होंगी बस, मैं जाते ही निकल जाऊँगी। कोई सामान नहीं रखना है, कपड़े ठूस के निकलना है। तो मैं अभी आ गई हूँ लिफ्ट में, और यार मेट्रो से आना पड़ेगा, मेरे 40 रुपये खर्च हो जाएंगे दोस्तों, पर कोई बात नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो फाइनली अब ना मैं बैग वैग पैक करके और वापस से आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कश्मीरी गेट, वहाँ से बस पकड़नी है, फिर वहाँ पर मिलते हैं। तो फाइनली कश्मीरी गेट हम लोग, मतलब मैं पहुँच गई हूँ, रितिका भी पहुँचने वाली है। और क्योंकि अब आज यहाँ से फिर से ऋषिकेश की ट्रैवलिंग शुरू होगी, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी नहीं लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना।